जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंचता दिख रहा है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। पोस्टर, बैनर, झंडे, वॉल पेंटिंग तो चुनाव प्रचार का हिस्सा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 3D मोबाइल फैल होलोग्राम टेक्नोलॉजी के द्वारा भी चुनाव प्रचार में अग्रसर है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और जनता भी इस तरह के चुनाव प्रचार को देखकर हैरान हो रही है। इस नई तरह के चुनाव प्रचार में व्यक्ति अपने गले में एक पंखा नुमा स्क्रीन को लेकर जगह जगह पर घूमता है, जिसे ब्लूटूथ के साथ लिंक किया जाता है और उस स्क्रीन पर वीडियो चलता है। गौरतलब है कि 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी ने स्क्रीन होलोग्राम टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया था, जिसे पूरे भारतवर्ष में चुनावों के दौरान उपयोग में लाया गया था। लेकिन इस बार 2019 के चुनावों में टीम नमो अगेन ने इस 3D मोबाइल फैन होलोग्राम टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और अब इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काबिले गौर है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग पहली बार भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान किया जा रहा है और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र ही पूरे भारत में एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां इस टेक्नोलॉजी के द्वारा चुनाव प्रचार फिलहाल प्रयोग के तौर पर हो रहा है। टीम नमो अगेन का मानना है कि आने वाले समय में इसी तरह से पूरे भारतवर्ष में, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। वहीं हमीरपुर की जनता भी इस तरह के चुनाव प्रचार को देखकर काफी उत्साहित दिख रही है। अनूप राष्ट्र का कहना है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के कई तरीके देखे हैं, लेकिन यह जो तरीका 3D मोबाइल फैन होलोग्राम टेक्नोलॉजी का है, यह वाकई में ही बड़ा प्रभावित और आकर्षित लग रहा है। कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने धर्मशाला में दलबल के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव एवं पंजाब प्रभारी आशा कुमारी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव एवं कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रभारी सुधीर शर्मा एवं तमाम विधायक एवं पूर्व विधायक मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के उपरांत कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की रैली से कांग्रेस की रैली बहुत बड़ी होगी। काजल ने कहा कि पूर्व सांसद शांता कुमार जनता के बीच में नहीं गए हैं और न ही उन्होंने सांसद निधि का सही उपयोग किया है। काजल ने कहा कि भाजपा पार्टी जुमलेबाज है और चुनावों के दौरान झूठे वादे करती है। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम लेकर लोगों के पास जाना पड़ता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटें जीतेगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक जल्द ही हिमाचल में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के चारों लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फील्ड में है और कई चुनाव लड़े और लड़ाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो सत्ता में है वही जीते। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शांता कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि शांता कुमार को दंगल से क्यों हटना पड़ा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि शांता कुमार दूर से नमस्कार, इसलिए भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया।
उन्होंने किशन कपूर पर हमला करते हुए कहा कि उनका हश्र भी वही होगा। नामांकन के उपरांत कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला स्थित दाड़ी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत शर्मा भी मौजूद रहे।